अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मारिया खान फ्रॉम amanat.com। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एंड टुडे इज़ अ वेरी प्लेजेंट डे, वेरी ब्यूटीफुल वेदर, सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट कम आउटसाइड एंड आई ऑल्सो गॉट सम रीसेंट अपडेट्स। आई डिसाइडेड कि क्यों ना वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ आज 18 के हवाले से कुछ रीसेंट अपडेट्स जो मुझे कुछ टाइम पहले पता चला। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों ने वो देखी है, जहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 18 का फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है और फेज़ 2 की लॉन्चिंग के बाद उसका भी बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। बट साथ में कुछ विलास हैं फेज़ 1 के, कुछ इन्वेंट्री है, कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो इस टाइम पर भी अवेलेबल हैं। एंड आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया, यू कैन से कि प्लॉट्स जो हैं वो कौन सी रेंज में, कितनी रेंज में आ रहे हैं, साइज़ क्या है, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिटेल्स मज़ीद एलेबोरेट हो जाती हैं। सो आई डिसाइडेड कि एक डिटेल वीडियो छोटी सी और बना ली जाए ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि फेज़ 2 में जो प्लॉट्स इस बार लॉन्च किए गए हैं उनके अप्रॉक्सीमेट साइजेस क्या हैं, प्राइजेस क्या हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो विलास और अपार्टमेंट्स इस टाइम पर अवेलेबल हैं जो आप लोग जो बुक करवा सकते हैं अपने लिए इन 18, उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक यू ऑल टू द साइट ऑफ 18, लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट अलाउड टू गो टेक योर कैमराज एंड ड्रोन्स एंड शूट द वीडियो, दैट्स व्हाई आई हैवन बीन एबल टू डू दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने प्रीवियस काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं 18 के ऊपर, जहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि व्हाट इज़ 18, उसके डेवलपर्स कौन हैं, व्हाट इज़ देयर मिशन एंड व्हाट देयर डूइंग, और वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है, आप लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव, सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हैं। उन वीडियोस के लिंक नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, गो चेक दैट आउट। बट अभी के लिए मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रेट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी फेज़ 1 में जो अपार्टमेंट्स और पेंट हाउस अवेलेबल है हमारे पास। 2-bedroom अपार्टमेंट जिसकी तकरीबन साइज़ की बात करूँ तो 149.60 स्क्वायर फीट से लेके 162.11 स्क्वायर फीट तक इसका मैक्सिमम साइज़ जाता है, और प्राइस है इसकी 3,65,19,000 से लेके 4,19,89,800 ऑनवर्ड्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 2-bedroom पेंट हाउस, इसका जो मैक्सिमम मिनिमम साइज अवेलेबल है इस टाइम पे वो सिमिलर ही है, 227.99 स्क्वायर फीट, और इसकी जो टोटल प्राइस है दैट इज़ 6,15,06,000। और कमिंग टूवर्ड्स नाउ 3-bedroom अपार्टमेंट, इसका जो स्क्वायर फीट टोटल साइज़ हम इस टाइम पर अवेलेबल है दैट इज़ 190.14 स्क्वायर फीट, एंड इसकी प्राइस है 4,96,53,000 रुपीज़, और मैक्सिमम ये जाती है 5,12,37,000 तक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द विला, हाफ कनाल विला इट वाज द बेस्ट सेलर आइटम इन दिस प्रोजेक्ट, तो इट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट। 1 canal विला इज़ ऑल्सो सोल्ड आउट। अवेलेबिलिटी है इस टाइम पर सिर्फ 2 canal विला की, जिसकी प्राइस इज़ 24,32,10,256, और मैक्सिमम ये जाती है 25,71,79,487 रुपीज़ ओनली। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फार्म हाउसेज, 4 canal फार्म हाउस इज सोल्ड आउट, इट्स नॉट अवेलेबल, बट 8 canal फार्म हाउस इज़ अवेलेबल, और उसका जो साइज़ है दैट इज़ 3,636 स्क्वायर फीट से लेकर 3,794 स्क्वायर फीट, और इसकी जो टोटल प्राइस है दैट इज़ 39,16,80,000, और ये जाती है 43,13,60,640 रुपीस तक। तो ये इनकी प्राइस रेंज थी फेज़ 1 की जो विलास हैं और फार्म हाउसेस हैं उसकी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फेज़ 2 प्लॉट्स, हाफ कनाल, 1 canal एंड 2 canal। हाफ कनाल का जो है इसका साइज़ मिनिमम इज़ 207.58 स्क्वायर फीट, और मैक्सिमम ये जाता है 359.39 स्क्वायर फीट तक, और इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 3,63,50,000, और मैक्सिमम ये जाती है 5,94,10,000 तक। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 1 canal प्लॉट, उसका जो टोटल साइज स्क्वायर फीट में बनता है दैट इज़ 462.91, और इसकी प्राइस रेंज है 7,86,90,000 रुपीज़। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द 2 canal प्लॉट, 2 canal प्लॉट का जो साइज है मिनिमम दैट इज़ 843.7 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम जाता है 944.37 स्क्वायर फीट तक, और इसकी जो टोटल प्राइस है दैट इज़ 15,49,00,000 रुपीज़, जो कि जाती है ऑनवर्ड्स 18,37,000 तक। और व्यूअर्स, इसकी जो डाउन पेमेंट है, यू विल हैव टू पे 20% डाउन पेमेंट, और 2 साल का इसका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट प्लान मौजूद है। करेंटली वहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है डेवलपमेंट का काम जारी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आई एम नॉट श्योर इफ मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट, मुझे अक्सर आप लोगों की कॉल्स आती हैं कि हमें 18 का जो इंटरचेंज है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है।
तो इंटरचेंज जो है वो अप्रूव हो चुका है, लास्ट ईयर अप्रूव हो चुका है, और अगर डिले आ रहा है तो वो गवर्नमेंट की वजह से आ रहा है, उसमें 18 का कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, दे हैव ऑलरेडी पेड ऑल दी अमाउंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर, उनकी तरफ से सब कुछ क्लियर है, उनको ऑलरेडी अप्रूवल भी मिल चुका है। गवर्नमेंट के सम इशूज़ की वजह से उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग है, उसमें डिले आ रहा है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द प्रोजेक्ट। तो आप मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, मुझे अक्सर आप लोगों की कॉल्स आती हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर हाफ कनाल के 2-3 विलास लिए हुए हैं, या फिर हम लोगों ने 1 कनाल के लिए हुए हैं, लेकिन अप्रूवल का कुछ पता नहीं चल रहा, इंटरचेंज का पता नहीं चल रहा, सो वी वॉन्ट टू सेल दोज आउट बिकॉज वी आर नॉट श्योर अगर उनको अप्रूवल मिलेगा अभी। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को इसीलिए मैं बनाने का मकसद ही यही था, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि ये बहुत पहले का उनको अप्रूवल मिल चुका है और डिलेज आ रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो बनेगा नहीं, इट विल बी वेरी सून इट विल बी स्टार्टिंग अप्रॉक्सीमेटली दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर। अभी तक कोई फिक्स्ड अपडेट नहीं है, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू लाइक यू, लेकिन जो बात मुझे पता चली आई डिसाइडेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सो व्यूअर्स, ये थी कुछ करंट अपडेट्स रिगार्डिंग 18। आप लोग अगर किसी किस्म की और तफसीलात हासिल करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बुक योर प्लॉट, इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट 18, इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस सर्टन प्रोजेक्ट, इट्स अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक एंड लग्जूरियस प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद, इन फैक्ट इन पाकिस्तान। सो अगर आप अपने लिए भी लेते हैं, आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से भी लेते हैं, आप लोगों को हर लिहाज से इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट दे आर गिविंग यू, एंड ऑल ऑफ लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, बिकॉज ऑफ द अमेनिटीज दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ सर्टेन प्रोजेक्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट, अगेन वीडियोज मैंने बहुत तफसील से बनाई हुई हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट समझ में बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। और अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और कॉमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप कवर करना चाहते हैं। मेरे पास जो है इस टाइम पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं समझती हूँ कि उसके हवाले से मैं आप लोगों को गाइड करना ज़रूर चाहूँगी, चाहे उनको मैं खुद सेल करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, उसके NOC के बारे में, उसकी लीगैलिटीज़ के बारे में, उसके लैंड के बारे में, ताकि आप लोग कभी भी किसी किस्म के धोखे में ना जाएँ। ठीक है, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोग कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग चाहते हैं मैं कवर करूं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अमानत.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।